दोस्तों आज मेरी काम चोर मम्मा ने मुझे काम दे दिया है, इसलिए ना मुझे रील्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आज ना मुझे लौकी की सब्जी बनानी है। चलो देखता हूँ सबसे पहले फ्रिज में लौकी है या नहीं है, नहीं तो मुझे दुकान भी जाना पड़ सकता है। ये तो भगवान का भला हो, फ्रिज में ही लौकी नहीं है। अरे लेकिन ये लौकी है या लौका? चलो अब बनाते हैं लौकी। लौकी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को छिलते हैं और उसके बाद से काट देते हैं। वैसे तो ये सब कुछ बनाना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। अब उसके बाद ना इस सबको हम धो देते हैं। उसके बाद हम प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे और 5-6 सीटी आने तक वेट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे अपना हाथ नहीं जलाना। अब जब तक प्रेशर कुकर में सीटी आती है उसी के बीच हम प्याज और मिर्च को बारीकी से काट देते हैं ताकि हम बाद में आसानी से तड़का लगा सकें। लौकी को ना अच्छे से पकाना है, अच्छे से नहीं पकेगी ना तो इसे खाने के बाद पेट खराब भी हो सकता है। ये देख लौकी अच्छे से पक गई है, अब बारी आती है तड़का लगाने की। इसके लिए ना हम एक लोहे की कढ़ाई ले लेते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। इसके बाद हम कटा हुआ प्याज और मिर्च उसमें डालेंगे। 5 मिनट बाद प्याज भुनने के बाद इसमें हम उबली हुई लौकी को डालेंगे और उसके बाद फिर मसाले। सबसे पहले नमक स्वादानुसार, फिर 1 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला और साथ में थोड़ा धनिया और जीरा पाउडर भी। मसाला ना ज्यादा नहीं डालना है, ये तो सुबह काफी दिक्कत हो सकती है। ये सब डालने के बाद ना हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उस सब के बाद हम इसे 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे और तब तक हम इसी बीच धनिया काट कर रख लेते हैं ताकि फाइनल में गार्निशिंग करने के काम आ सके। चलो सब्जी तो पक गई है, अब इसमें हम धनिया छिड़क देते हैं। अब हम थोड़ी देर रुकते हैं, मैं मम्मा को टेस्ट करवाता हूँ कि आखिर सब्जी कैसी हुई है। ये क्या, मम्मा ने तो पूरी की पूरी कढ़ाई खत्म कर दी और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं रखा। दोस्तों ऐसी ही टेस्टी रेसिपी अगर आपको और मुझसे सीखनी है तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर का संजीव कपूर तो मैं ही हूँ।